साहिबगंज जिले में डीबीएल कंपनी द्वारा गंगा पुल निर्माण का कार्य काफी तीव्र गति से किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल को सरकार को हर हाल में सुपुर्द करना है। बता दें कि इस पुल के निर्माण कार्य से साहिबगंज जिलावासी काफी उत्साहित हैं, परंतु कुछ ऐसे भी दियारा क्षेत्र हैं, जहां बिना सर्वे किए ही कई गांवों को जोड़ने वाली कई ग्रामीण सड़क पुल निर्माण होने से उन सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाएगा और ग्रामीणों को चंद मिनटों की दूरी को कई घंटों में तय करने को विवश होना पड़ेगा, जिसे लेकर सदर प्रखंड क्षेत्र के किशन प्रसाद देरा में दर्जनों किसानों ने शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में डीबीएल कंपनी के एजीएम भानु प्रताप सिंह, मुफसिल थाना के प्रभारी सौरभ कुमार, किशन प्रसाद पंचायत के मुखिया व महादेवगंज पंचायत के पंचायत समिति समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल के निर्माण होने से हम सभी किसान भाई काफी उत्साहित हैं। पुल निर्माण से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, परंतु इस निर्माण कार्य के बीच में पड़ने वाली ग्रामीण सड़कों को पूरी तरह बाधित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे इस मौजा में पड़ने वाली हजारों एकड़ भूमि आए दिन बाढ़ व बरसात में डूबी रह जाएगी, जिसके लिए एक कलवट बनना जरूरी है। साथ ही साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल की नव निर्मित सड़क के दोनों किनारे बसे गांव किशन प्रसाद, बिनटोली, छठू टोला, गरम टोला आदि गांवों के हजारों किसान के लिए पुल के नीचे से रास्ता देने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि अंडरग्राउंड पुल नहीं बनने से हजारों किसान को अपने खेतों में जाने एवं मवेशी को पानी पिलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर घूमना होगा, जो कि ग्रामीणों के लिए काफी गंभीर समस्या है। वहीं किसानों ने कहा कि अपनी मांगों पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन करने को बाध्य हो। उनके साथ बैठक हुई, क्या बातें हुई, क्या कुछ बातें सामने आई है? सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ के साहेबगंज यानी झारखंड के तरफ से साहेबगंज में गंगा पुल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमें वर्षों से, जन्म से पहले से यहाँ के लोग सपना देख रहे थे कि गंगा पुल बने और वो उसका शिलान्यास करके माननीय प्रधानमंत्री चले गए और आज तेजी से पुल का काम निर्माण कार्य चल रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के हजारों किसानों की एक समस्या खड़ी हो रही है कि सर्वे में जो टेक्निकल गलती हुई है उसको सुधार करने की जरूरत है। चूंकि 6 गांव लगभग पड़ता है, करीब लगभग हजारों हजार के संख्या में यहाँ के आबादी लोग वास करते हैं जो किसान हैं, जिसके 95% कृषि पर ही आधारित है, जो गाय भैंस रखते हैं और यहाँ से बताया जैसा कि गर्म घाट पर ले आके धोने ले जाने के लिए पानी के लिए ले जाते हैं। और ये गंगा पुल जो बन रहा है, अप्रोच रोड जो बन रहा है, तो करीब लगभग 20 फीट हाइट होगा और एक दूसरे से किसी का खेत आधा उधर पड़ गया आधा इधर पड़ गया, वैसी स्थिति में आने जाने के लिए अंडरग्राउंड पुल के मांग कर रहे हैं, अप्रोच रोड का पुल का मांग कर रहे हैं। जो यहाँ सिवाना है, इस सिवाना पर एक पुल होना चाहिए और 2 जगह और कलवट है जहाँ की बड़ा जोला है, जोला मन कहते हैं, जहाँ पानी का पूरा नदी की तरह पानी आता है, तो वो पानी का पार करने के लिए वहाँ पर कलवट चाहिए। ये डिमांड था लोगों का, इसी को लेके हम लोगों ने आज किसान के साथ बैठक रखे थे और इस मुद्दा को लेके स्थानीय जो यहाँ के प्रबंधक हैं भानु प्रताप सिंह जी, वो आए हुए थे, वो भी थे और स्थानीय थाना प्रभारी आए हुए थे मुफस्सिल थाना साहिबगंज के, तो उससे बात विचार हुआ सभी के सामने कि भाई इस बिंदु को उठाया जाए और इसको हम लोगों ने यहाँ के संबंधित विभाग को, NHI को और उपायुक्त महोदय को, साथ ही साथ उसको कॉपी को हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को भी इस मामला से अवगत कराएंगे और हम आशा करते हैं कि इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर अन्यथा नहीं होता है तो फिर आगे शांतिपूर्ण तरीका से हम इस बिंदु पर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग डिमांड रखेंगे। मौके पर मौजूद डीबीएल कंपनी के AGM भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हम सभी क्षेत्रवासियों की समस्या से रूबरू है। गंगा पुल का निर्माण क्षेत्रवासियों के विकास के लिए हो रहा है, साथ ही ग्रामीणों की जो भी मांग है उसे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, अधिकारियों के आदेशानुसार आगे का कार्य किया जाएगा।
बताइए कि क्या बातें हुई गांव के लोगों से और क्या मतलब आश्वासन मिले। तीन चार गांव के लोग आपस में बैठक की है, वो अपनी समस्या से अवगत कराए कि यहाँ पे अंडर पास चाहिए क्रॉसिंग के लिए गंगा पुल के नीचे से। उसके रिगार्डिंग बात हुई, हम कहे कि ठीक है आप NHAI में अपनी मांग को रखिए, NHAI पर आएगा निर्णय तो हम बता देंगे। तो कितना जरूरी है सर ये आपके अनुसार क्या लग रहा है लोगों को इसका मतलब? इस रास्ते को उपयोग इन लोग करते आ रहे हैं, यहाँ से ग्रामीण का आना जाना है, मवेशियों का आना जाना है, वो तो हम देख रहे हैं पिछले एक साल से। तो क्या कुछ सर निर्णय लिया गया आपके द्वारा क्या? अभी मेरे द्वारा यही बोला गया कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डिमांड रखें, मांग रखें NHAI में संबंधित अधिकारी से, जिला प्रशासन से, उन लोगों के कहने के उपरांत ही हम यहाँ पे निर्माण कार्य कर सकते।